पर चारा लेने गई युवती के साथ युवक ने की छेड़खानी। पीड़ित महिला तहरीर लेकर पहुंची थाने। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ की मारपीट। पीड़ित महिला पहुंची सदर कोतवाली। महिला के शोर मचाने पर भागा युवक। मामला कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके के एक गांव का है। कहाँ पर आए हो अभी आप? हम भाई सदर कोतवाली कन्नौज। क्या मामला है? मामला है हमारी पत्नी को शोभित यादव ने मक्का में मतलब डपोचा या घास काटने गई थी, तो कपड़े लत्ते भी फाड़ दिए और अलग भी दबा दी, गर्दन दबाई और मुंह में मतलब हाथ भी डाल दिया, तो सूजन भी है, मुंह फट भी चुका है, तो इसीलिए ये बोल नहीं पा रही हैं। और पूरी इज्जत लौटने की फुल कोशिश करी और उनको जब हम लोगों ने पकड़ा, पकड़ने के बाद में वो बोला कि हमें यादव के हमको तुम जानते नहीं हो कि अखिलेश भैया आ चुके हैं माँ चूदेंगे की सरकार बनने के बाद। हम राजपूत हैं, राजपूत ग्राम कशियापुर। ये शाम 5 बजे की है, ये करीमपुर का युवक को तो हम ही पकड़ के लाए, यहाँ कोतवाली में किया है, हम खुद पकड़ के लाए थे। हम थाने आए, अब क्या चारे काटन गए खेत पर, सर जो काना उनने शोभित ने मेरे पीछे तेरे शोभित आवित शोभित यादव तो पीछे तेरे उनने आके मेरे संग छीना जप्टी करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत लूटने के लिए। और फिर जब मैंने चिल्लाई तो मेरा गला दाब दिया और मुँह में हाथ घुस दिया, बहुत खून निकला, अब जो कुछ पटक गया है सर। तो मैं यहाँ रिपोर्ट कराने लिखाने आए, चुप पे आया सर, चुप पे आया, मैंने देख नहीं पाया। जब जब पीछे तो मेरे पर झपट पड़ा, तो मैंने देखा तो इसके साथ जोरा बसी मेरी भी लड़ती रही, जो उठाठा दे मत रहा। और फिर मैंने जब चिल्लाई भागी तब मेरा जेठ आ गया, तब उनने जब आवाज लगाई तब जो हमें छोड़ के भागा करीमपुर को, करीमपुर के यादव 5 बजे की। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज CS त्रिपाठी की रिपोर्ट।